दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात एसीपी अमित सिंह ने पत्नी से किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद सोमवार की रात खुद को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अमित ने पहले चाकू से खुद पर वार किया लेकिन पत्नी ने चाकू छुड़ा लिया। इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मार ली। चौंकाने वाली बात यह भी रही कि इस घटना के बाद उनकी पत्नी अपार्टमेंट की छठी मंजिल से नीचे कूद गई। पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यह घटना देर रात नोएडा के सेक्टर 100 स्थित लोटस अपार्टमेंट में हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतक एसीपी का नाम अमित सिंह है और उसकी पत्नी का नाम सरिता है। साल 2010 बैच के आईपीएस अमित सिंह मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात एसीपी अमित सिंह महज 30 साल का था। बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही वह रोड रेस की घटना में घायल भी हो गया था।